लखनऊ से खबर सामने आई है जहां पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। बता दें कि आरोपी शराब की दुकानों में चोरी करते थे, जिसके लिए आरोपी बुलेरो से जाते थे, जो कि आरपीएफ की एकेडमी से जुड़ी गाड़ी बताई जा रही है, जिसका फायदा उठाकर आरोपी शराब की खुलेआम चोरी किया करते थे। प्रशासन की टीम को इसकी सूचना मिली तो योजना के अनुसार आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिसमें चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ ही आरोपियों के पास से अंग्रेजी शराब की 14 पेटियां भी बरामद हुई है। दिनांक 8 जून को थाना क्षेत्र आशाना में न्यू गरौड़ा में एक शराब की दुकान है, जहां पर एक चोरी की वारदात हुई थी, जिसके संबंध थाना आशाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार हमारी सर्विलांस की टीम, हमारी मुंबई टीम लगातार सक्रिय थी, और कल रात को लगभग 3 बजे के आसपास एम्बन पुलिया के पास जो है चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में इन चार व्यक्तियों का नाम, पहला जो व्यक्ति है ये दीपक कश्यप नाम है, ये थाना क्षेत्र पाकोरी ग्राम मल्हा का रहने वाला है, और इसके ऊपर पहले से भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। इसका आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा है। ये थाना क्षेत्र मोहनलालगंज लिगोहा चिन्हट पीएस आशियाना में चोरी में पहले भी जेल जा चुका है, और इसके ऊपर थाना क्षेत्र पीजीआई में इसके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा इसके ऊपर चला हुआ था और ये बेल पर बाहर आया था। जो दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, इसका नाम मोहित शुक्ला है। तीसरा व्यक्ति जो है वो दिलीप कुमार है, और चौथा व्यक्ति जो है रोहित कश्यप है। ये चारों लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो इनका मॉडल ऑपरेंडी जो निकल के आया है। इसके साथ साथ जिस गाड़ी में ये सवार थे वो बोलेरो गाड़ी है, और उस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है, पुलिस लिखा हुआ है आगे और पीछे। और जब इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो जो इनका जो मॉडल ऑपरेंडी निकल के आया, ये बड़ा ही हैरतअंगेज इनका मॉडल ऑपरेंडी निकल करके आया है सामने, बड़ा चौंकाने वाला निकल करके आया, जिसमें कि इन्होंने बताया कि ये जो गाड़ी है, ये एक व्यक्ति हैं जो ठेकेदार हैं, इनकी इनकी ये गाड़ी है, इन्होंने आरपीएफ एकेडमी आलमबाग में ये गाड़ी ठेके पर लगाई हुई थी, अपनी गाड़ी बोलेरो गाड़ी ठेके पर लगाई हुई थी। और जो इसका ड्राइवर है मोहित शुक्ला, ये जब ये गाड़ी अपने अधिकारियों को छोड़ करके जब गाड़ी वापस आ जाती थी, शाम 7:30 तक वापस आ जाती थी, इसके बाद ये इन तीनों साथियों के साथ अपने यानी कुल चार लोग मिल करके ये पूरे शहर भर में घूम घूम करके ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे। और क्योंकि इसमें पुलिस के स्टिकर लगा हुआ है, सायरन बजता था, और ये लोग उस चीज़ का फायदा उठाते थे, हरदम में लेते थे लोगों को, जो पुलिस वाले इनको चेकिंग करते थे, क्योंकि पुलिस का लोगों लगा रहता था, लोगों को शक नहीं होता था, हूटर बजाते थे, सायरन बजाते थे, तो लोगों को शक नहीं होता था कि इसमें कोई इस तरह की एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें जा सकते हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए अपने अपना डिस्गाइज करते हुए ये लोग चोरी की घटना को अंजाम देते थे। जहाँ पर ये जाते थे, पहले ये जो कैमरा लगा होता था इसको ये टेम्परिंग करते थे, सीसीटीवी कैमरे की टेम्परिंग करते थे, फिर वहाँ पे जो भी शराब की दुकानें होती थी उनका ताला तोड़ करके वहाँ से चोरी करते थे। जो भी नोन हमारे पास जो मामले हैं, जो आशियाना मिन्यू गरौड़ा में जो चोरी किया था, उसमें टोटल हमको 14 पेटियाँ बरामद हुई हैं, शराब की पेटियाँ बरामद हुई हैं। इसके अतिरिक्त थाना ठाकुरगंज में भी इन लोगों ने चोरी किया था, वहाँ की भी 2 पेटियाँ बरामद हुई हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग और पता कर रहे हैं, अभी प्रकाश में आया है कि पारा में भी इन्होंने एक चोरी घटना को अंजाम दिया था, बुद्धेश्वर के पास, पारा से भी हम लोग थाना पारा से भी संपर्क में है। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने और भी कई सारी चोरियां कबूली हैं, वो जो हम लोग का जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें हम लोग इस चीज़ को अपनी केसदारी में लाएंगे। अभी तक जो हमारे पास ये चार मुलजिम है, आज इनको गिरफ्तार करके इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।